हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राइजिंग विंडो के विषय में विस्तार से बताऊंगा। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है। राइजिंग विंडो का नाम जापान के लोगों ने खिड़की के ऊपर रखा है, क्योंकि इन दो कैंडल के बीच की गैप एक विंडो के समान दिखाई देती है। राइजिंग विंडो बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी के ट्रेंड को बने रहने का संकेत प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर जाने वाला ट्रेंड अभी और ऊपर जाएगा, अभी नीचे आने के आसार नहीं है, या जो तेजी का ट्रेंड अभी चल रहा है उसकी रफ्तार और तेज होने वाली है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है, यह हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल भी लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है, यह भी हरे रंग की होती है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा तेजी के ट्रेंड में आने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि ट्रेंड के बने रहने का, या कहें कि कंटिन्यू रहने का संकेत देता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या नई खरीदारी कर सकते हैं। कंफर्मेशन मिलने के बाद पोजीशन को होल्ड करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर बहुत ही जोरदार तेजी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि फुल गैप अप ओपन होना चाहिए। इसके बाद यह दूसरी कैंडल जोरदार तेजी की प्रबलता प्रदर्शित करना चाहिए, और जब यह दूसरी कैंडल क्लोज हो उस समय यह दूसरी कैंडल अपने हाई प्राइस के पास या बराबर ही बंद हो तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। पहली और दूसरी कैंडल के बीच में जो फुल गैप अप ओपन होने के बाद जो गैप बनी है, इस प्रकार की गैप को जापान के लोगों ने विंडो का नाम दिया है, या कहें कि इस प्रकार की गैप को विंडो कहते हैं। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल में वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल या दूसरी कैंडल या फिर दोनों ही कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी
हो सकती हैं। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट में चार प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन यह कैंडलस्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है। और यह कैंडलस्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस दिन यह कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ या कहें कि गैप अप ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए तेजी की निरंतरता के बने रहने का संकेत होता है, या कहें कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। अभी बाजार में मंदी के आसार नहीं है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद पूर्ण रूप से बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और हवरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो, तो आपको बाजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई खरीदारी करना है, या फिर आपको इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाए तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती हैं। नंबर दो, दोनों कैंडल में साइज का कोई महत्व नहीं है। नंबर तीन, दूसरी कैंडल फुल गैप अप ओपन होना चाहिए। नंबर चार, पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। तो चलिए अब राइजिंग विंडो बुलिश कंटिन्यूएशन
कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में तेजी के ट्रेंड में राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो, तो आपको बाजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप अप ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई खरीदारी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद चौथे नंबर की कैंडल राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या नई खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद राइजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने राइजिंग विंडो बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।